ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर सोमवार को होम आइसोलेट लोगों से मिले और उनका कुशल क्षेम पूछा। इस दौरान सेवा ही संगठन योजना का भी शुभारंभ किया गया। इसमें होम आइसोलेट हुए लोगों को फ्रूट्स व ताजी सब्जियां मुहैया करवाई गई। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमितों व होम आइसोलेट हुए लोगों की हर संभव मदद कर रही है, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। सर, आज जो ये सब्जियां और ये राशन जो है वितरित किया जा रहा है, ये किन लोगों के लिए और क्या इसके पीछे? कल ही मैं जितने भी लोग हमारे हरोली में एडमिट हैं कोरोना से, जो पीड़ित हैं, वह बहुत सारे लोग ऐसे जो होम आइसोलेशन में हैं, मैं उनसे बातचीत कर रहा था। तो बातचीत करते करते मैंने उनसे पूछा कि कोई आपको कोई असुविधा है तो आप मुझे बताइए। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि वो कई दिनों में वो पूरा परिवार आइसोलेशन में है और उन्हें ना कहीं से फ्रूट मिल पा रहा है, ना सब्जी जो है, कोई ऐसी व्यवस्था आप कर दीजिए तो ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मैंने अपने कुटलहर संगठन से बातचीत करते हुए और जो कार्यक्रम हमने सेवा ही संगठन है हमने शुरू कर रखा है, ऐसे पीड़ित लोगों को हर सुविधा देने के लिए जो है वो हम वचनबद्ध हैं। और इसके लिए हमने तय किया कि उनको फ्रूट और जो सब्जी है, ताज़ी सब्जी जो है, वो हम उनके घरों तक जो है वो पहुंचाएं। इसलिए ये हमारे कार्यकर्ताओं ने जो फैसला लिया है, आज से हम जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बंगाणा से कृष्णपाल शर्मा की रिपोर्ट।